जीवन में एक कुबली आ रही है। हो सकता है उसी के पास से ये सुगंध आ रही हो, उस कुबली के पास से। हाँ हाँ, एक कुबली के पास भी सुगंध हो सकती है। अच्छा चलो दिखाता हूँ, चलो। कैसे छोड़ दे, तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है, हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? जो एक एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कहके उसकी हाथी उड़ा रहे हो, इसका लोग कुब्जा कहके उपहास करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सत्य है कि मैं कुब्जा हूं। परंतु ऐसा क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है, सुंदरी कह के किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती। परंतु ऐसा शब्द कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। किसी दुखी दीन व्यक्ति का इस तरह उपहास नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका हृदय छलनी हो जाए, उसका हृदय छलनी हो जाए। मैंने हंसी तो नहीं उड़ाई सुंदरी, मैंने तो केवल वही कहा है जो सत्य है। देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूं। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती, ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है, जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं, तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है।